दोस्तों आप भी बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की शानदार जीत को देखकर खुश है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ ग्वालियर में खेले गए पहले T20 मुकाबले में पहले गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी की, तो इसके बाद सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन की दमदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने मात्र 11.5 ओवर में ही मुकाबले को जीत लिया, तो इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भारतीय टीम की इस परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर सूर्या ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तो वहीं पर बांग्लादेश की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बांग्लादेश की टीम की तरफ से लिटन दास के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे परवेज हसन इमोन। यहाँ पर भारतीय टीम के लिए पहले ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह, तो पहले ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद को लिटन दास ने शानदार तरीके से चौके की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया थर्डमैन की तरफ और पहला चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की पांचवी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने लिटन दास को एक और बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और शानदार कैच पकड़ा रिंकू सिंह ने और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। यहां पर लिटन दास इस मुकाबले में दो गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर परवेज हसन ने एक शानदार छक्का हार्दिक पांड्या की गेंद पर लगाया, जब उन्होंने फ्लिक के जरिए गेंद को पेकर्स कले के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया। वहीं पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए परवेज हुसैन को बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। परवेज यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए इस मुकाबले में, 9 ही गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक शानदार चौका यहाँ पर तौहीद हृदय ने लगाया, तो वहीं पर वरुण चक्रवर्ती के ओवर में भी हृदय के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। कि दोस्तों पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा नजमल हसन सांतो ने। वरुण चक्रवर्ती के पांचवें ओवर में 15 रन बने, जबकि दोस्तों इसके बाद छठा ओवर डालने आए मयंक यादव, जो कि अपना पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेल रहे थे और उन्होंने मेडन ओवर के साथ शानदार शुरुआत की। वहीं पर इसके बाद सातवें ओवर की चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में तौहीद हृदय अपना कैच थमा बैठे लॉन्गोन पर खड़े हार्दिक पांड्या को और यहां पर हृदय इस मुकाबले में 18 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर मयंक यादव को अपने T20 इंटरनेशनल की पहली सफलता मिल गई। यहां पर उन्होंने पवेलियन भेज दिया महबूबुल्लाह को वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच कराकर और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई व अपने कैरियर की पहली सफलता भी उन्होंने प्राप्त कर ली। यहां पर महबूबुल्लाह दो गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद जाकर अली ने यहां पर आते ही एक बड़ा शॉट खेला, लेकिन उनका एक छक्का जरूर गया, लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने जाकर अली को बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया। जाकर अली 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 8 ही रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों यहां पर मेहंदी हसन मिराज एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जो एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया, लेकिन इसी बीच 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर टीम के कप्तान नजमल हसन सांतो, जो कि काफ़ी देर से एक छोर को संभाले हुए थे, लेकिन वो भी अपना कैच वाशिंगटन सुंदर को ही थमा बैठे और 14 बोल्ड आउट होकर पवेलियन लौट गए। नजमल हसन सांतो ने 25 गेंदों का सामना किया और 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर मेहंदी हसन मिराज ने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर मयंक यादव की गेंद पर लगाया, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर रिशाद हुसैन ने भी एक बड़ा शॉट खेला और अपर कट के जरिए गेंद को 60 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, जबकि दोस्तों ओवर की पाँचवीं गेंद पर भी मिडोन की तरफ उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस पर भी
भी एक और बेहतरीन चौका यहां पर मिल गया। लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती अपना आखिरी ओवर डालने आए, यानी कि 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने रिशाद हुसैन को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और यहाँ पर हार्दिक पंड्या ने मिड विकेट के ऊपर एक और शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर समाप्त हुई रिशाद की पारी भी। रिशाद हुसैन 5 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर के ओवर में तस्किन ने जरूर बड़े शॉट खेले, लेकिन इसी बीच 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पंड्या की गेंद पर 2 रन लेना चाहते थे मेहंदी हसन मिराज और तस्किन अहमद, लेकिन आखिरकार वो एक शानदार थ्रो के चलते रन आउट हो गए। तस्किन अहमद जिन्होंने 13 गेंदों का सामना किया और वो भी 12 रन बनाकर पेवलियन लौट गए। इसके बाद हार्दिक ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार गेंद डाली और यहाँ पर सौरीफुल इस्लाम को उन्होंने बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और सफलता यहाँ पर मिल गई। सौरीफुल इस्लाम की हम बात करें तो 2 गेंदों का ही उन्होंने सामना किया और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद दोस्तों आखिरी विकेट 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर हुआ, जब अर्शदीप सिंह ने शानदार यॉर्कर गेंद डाली और मुस्तफिजुर रहीम के स्टंप उखड़ गए और भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट कर दिया। बांग्लादेश की टीम 19.5 ओवर में 127 रन बना पाई। भारत के सामने 128 रनों का लक्ष्य था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की 4थी गेंद पर ही सौरीफुल इस्लाम की गेंद को शानदार तरीके से स्ट्रेट ड्राइव शॉट के जरिए चौके के लिए बाउंड्रीलाइन के पार भेज कर संजू सैमसन ने अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद पहले ओवर की ही आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को मिड ऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्रीलाइन के पार भेज कर पहले ओवर में 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद इस पारी का पहला छक्का अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जड़ा, जब तस्किन अहमद की गेंद को स्ट्रेट शॉट के जरिए ही सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिला, जबकि दोस्तों अंदरूनी किनारा लेकर 4थी गेंद पर भी उनको चौका मिल गया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हालांकि रन नहीं था, लेकिन अभिषेक शर्मा ज़्यादा बाहर निकल चुके थे क्रीज से, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और वो रन आउट होकर पेवलियन लौट गए। अभिषेक अच्छी पारी खेल सकते थे, लेकिन 7 गेंदों पर 16 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार शॉट खेला पूरी टाइमिंग के साथ और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। आज संजू सैमसन की शानदार क्लास टाइमिंग दिख रही थी। इसके बाद दोस्तों 4थे ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ मैक्सिमम के लिए भेज दिया, यानी कि उन्होंने अपना पहला छक्का 4थे ओवर की पहली गेंद पर ही जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की 4थी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। संजू सैमसन ने इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। संजू सैमसन तो आज के मुकाबले में अपनी क्लास यानी कि टाइमिंग ही दिखा रहे थे। इसी बीच 5वां ओवर डालने आए तस्किन अहमद की तीसरी गेंद पर सूर्य ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को भेज दिया और एक और चौका उन्होंने जड़ा। इसी ओवर की 4थी गेंद पर भी उनके बल्ले से फ्लिक शॉट देखने को मिला और एक बार फिर से स्क्वायर लेग की तरफ ही चौका गया, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर तो उनके बल्ले से दमदार शॉट देखने को मिला और इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए इस 5वें ओवर में 14 रन यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने बटोर लिए। इसके बाद 6थे ओवर की पहली गेंद पर भी सूर्या ने एक और दमदार शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मैक्सिमम के लिए भेज दिया और सूर्या के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों सूर्या इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार शॉट तो अच्छा था लेकिन सीधे ढूंढ बैठे फील्डर को और जाकिर अली ने शानदार कैच पकड़ा और सूर्य कुमार यादव 14 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेलकर पेवलियन लौट गए। इसके बाद संजू सैमसन ने अपना शानदार खेल जारी रखा और 6थे ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर भारतीय टीम ने पावर प्ले में ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 71 रन ठोक दिए। इसके बाद 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी संजू सैमसन ने एक बार फिर से डीप कवर की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन भी 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिड विकेट की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पर सही आई नहीं और वहां पर खड़े रिशाद के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को संजू सैमसन के रूप में एक और झटका लगा। संजू बेहतरीन
बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों पर 29 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने आते ही लॉन्गोन की तरफ लगाए अपने चौके के साथ पारी का शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से भी एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने लॉन्गोन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या तो अपना दमदार खेल जारी रख रहे थे। उन्होंने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जड़ा। तो इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला, जिसके चलते यहां पर दो चौके हार्दिक ने 10वें ओवर में भी जड़ दिए। तो वहीं पर 11वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का था। जबकि दोस्तों 12वां ओवर डालने आई तस्कीन अहमद की तीसरी गेंद पर हार्दिक ने एक चौका लगाया और यह 9 लुक के चौका था जो कि सीधे विकेट कीपर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार गया और हार्दिक ने यहां पर अपना पूरा एटीट्यूड भी दिखा दिया। इसके बाद इसकी अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला, बल्ला हाथ से छूट गया था लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक और चौका उन्हें मिला। इसके बाद इस मुकाबले को उन्होंने शानदार तरीके से छक्के के साथ फिनिश किया। एक शॉट गेंद पर बेहतरीन तरीके से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर भारतीय टीम को 7 विकेट से इस मुकाबले में जीत दिला दी। हार्दिक पांड्या की भी अंत में शानदार बल्लेबाजी रही क्योंकि 16 गेंदों पर उन्होंने 39 रन बनाए। तो दोस्तों आपको यह मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।